ये दोनों ही जज कोलेजियम की बैसाखी को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। यह है पहले जज जस्टिस संजीव खन्ना, जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले जजों में से एक है। उनके पिता देवराज खन्ना हाई कोर्ट के जज थे और उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज। यह है दूसरे जज दीपांकर दत्ता, जिन्होंने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है। इनके पिता सलील कुमार दत्ता कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे और इनके बहनोई न्यायमूर्ति अमिताव राय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। जस्टिस खन्ना की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद अगले चीफ जस्टिस बनने की कतार में वे सबसे आगे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस का कार्यकाल नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। उसके बाद जस्टिस खन्ना 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक सीजेआई के रूप में काम करेंगे। अभी वह सीजेआई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। जस्टिस खन्ना करीब 5 साल पहले जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने थे। उनकी नियुक्ति पर काफी विवाद हुआ था क्योंकि उम्र और अनुभव में 33 जज उनसे सीनियर थे। फिर भी जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। नियुक्ति के कुछ ही महीनों बाद विवाद ठंडा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की हर ओर चर्चा हो रही है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एच आर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में आज भी जस्टिस एच आर खन्ना की तस्वीर टंगी है। जस्टिस संजीव खन्ना आजकल उसी कोर्ट नंबर 2 में बैठकर सुनवाई करते हैं और साथ ही जज जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ फैसले सुनाते हैं। दरअसल आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार भी छीन लिया गया था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया, 5 जजों की संविधान पीठ में से 4 ने सरकार की हां में हां मिला दिया था, लेकिन जस्टिस खन्ना ने अलग राय रखी थी। उस केस को एडीएम जबलपुर एवं अन्य बनाम शिवाकांत शुक्ला के नाम से जाना जाता है। बाद में जस्टिस एच आर खन्ना को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी। वरिष्ठता के क्रम में उनसे जूनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था। उन्हें अपने इस फैसले के दुष्परिणामों का अंजाम भी था। अपनी आत्मकथा नो रोजेज नॉर थॉर्न्स में जस्टिस खन्ना ने लिखा है, मैंने अपना निर्णय तैयार कर लिया है जिसकी कीमत मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से चुकानी होगी। एक बहुत कठिन समय के दौरान जस्टिस खन्ना एच आर खन्ना ने न्यायालय की गरिमा को बरकरार रखा और अपने इस ऐतिहासिक कार्य के लिए अमर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के नवंबर में रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना वरिष्ठता के क्रम के मुताबिक अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में सबसे आगे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस जानकारी को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।